प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सब बहुत अच्छे हैं ना? तो आज आपके दिन को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत प्यारी सी कहानी, और उस कहानी का नाम है शेर की गुफा। क्या नाम? तो चलिए आपको एक जंगल में ले चलते हैं और सुनाते हैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी, जिसका नाम आपने सुना भी, शेर की गुफा। शेर कहाँ रहता है? गुफा में रहता है ना, जंगल में। तो आज हम शेर की गुफा की कहानी सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सियार और सियारिन अपने बच्चों के साथ घूमने निकले। उन्हें एक गुफा दिखाई दी। कौन घूमने निकला? सियार और सियारिन अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ घूमने निकले और उन्हें क्या दिखाई दी? एक गुफा। क्या दिखाई दी? गुफा। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। वे दोनों अपने बच्चों के साथ गुफा में रहने लगे। गुफा खाली थी। उन्हें लगा इसमें कोई नहीं रहेगा, तो वो जो सियार सियारिन थे वो उस खाली गुफा में रहने लगे। बहुत चलाक थे ना? उनको रहने की जगह मिल गई। अब आगे देखते हैं। एक दिन उन्होंने एक शेर को गुफा की तरफ आते हुए देखा। सियारिन ने उससे बचने का उपाय सोचा। एक बार फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को। एक दिन उन्होंने एक शेर को गुफा की तरफ आते देखा। सियारिन ने उससे बचने का उपाय सोचा। सोचो बच्चों, अगर वो शेर उस गुफा में आ जाता तो सियार सियारिन और उनके बच्चों का क्या होता? सोचिए। अब जो सियारिन है वो जोर जोर से डरावनी आवाजें निकालने लगी, और जो शेर था वो तो डर गया। अरे ये कैसी आवाजें हैं, उस गुफा से आ रही हैं। शेर की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। देखिए वो जोर जोर से डरावनी आवाजें निकालने लगी और शेर महाराज तो डर गए। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। शेर को डरा हुआ देखकर बंदर बोला। कौन बोला? बंदर। देखिए चित्र में बंदर है ना और शेर है। डरो मत, यहाँ सियार और सियारिन है। बंदर ने शेर को हिम्मत दिलाई और कहा कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो इस गुफा में सियार और सियारिन रहते हैं, उनसे तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शेर तो जंगल का राजा होता है ना। फिर बंदर कहता है, चलो मैं तुम्हें गुफा में लेकर चलता हूँ। शेर भी जोश में आ गया होगा, उसने कहा। वो बंदर के साथ गुफा के अंदर जाने लगता है। अब देखते हैं भाई, कहानी तो बहुत मज़ेदार मोड़ पे है। उन्हें आता देखकर शियार बच्चों से बोला। क्या बोला उसने? अपना दिमाग इस्तेमाल किया। रो मत, बंदर शिकार लेकर आता ही होगा। अरे ये तो शियार ने बहुत बड़ी चाल चल दी। अब देखते हैं क्या हुआ होगा। आप सोचिए, क्या शेर गुफा के अंदर गया? आगे क्या हुआ होगा सोचिए, या फिर शेर डर के भाग गया होगा? यही तो मेन कहानी है। अब आगे पूरी कहानी का सार। यह सुनते ही शेर डर कर भाग गया। भाई भाग गया। उसे लगा बंदर तो मेरे साथ चाल चल रहा है।
और बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा सोचिए। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमें धैर्य रखना चाहिए और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए ना। अब आप कुछ प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, सियार और सियारिन कहाँ रहने आए, सोचिए और बताइए। बंदर ने शेर से क्या कहा, गुफा किसकी थी। अब इन प्रश्नों को आप सोचिए। और हाँ, अगर शेर डरकर नहीं भागा होता तो इस कहानी में क्या हो सकता था, वो भी सोचिए और बताइए। तो मिलते हैं फिर एक नई प्यारी सी कहानी के साथ।